राहुल गांधी हो और चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये देखो कि उसमें से सबसे बड़ा चोर कौन है और सबसे छोटा चोर कौन है, जिन्होंने हमारे देश में 70 साल में सिर्फ सेकुलर की रोटी खाई। इन्होंने खुद हिंदू मुस्लिम कराया है। बीजेपी का क्या मतलब बनता है हिंदू मुस्लिम कराने का? डॉक्टर मुस्लिम बन रहे हैं, पुलिस वाले मुस्लिम बन रहे हैं, आईपीएस मुस्लिम बन रहे हैं। किसको रोक लिया मोदी ने? चलो एम्स में। ये हमारी आपकी गलती है महाराज। किसकी गलती? हमारी आपकी गलती नहीं है भाई। ऑटो वालों ने वोट दिया केजरीवाल को, मैंने नहीं दिया था, क्योंकि केजरीवाल ने बोला था बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। फ्री वाला सिस्टम बिल्कुल गलत है, गलत है ना। काम देना चाहिए लोगों को, मतलब जिस तरीके से वो आगे बढ़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुटकुले छोड़ता है, उनको मेरे से दिक्कत होती है। महाराज कैसे बंदे ये लोग, मतलब जिसको खुद, अरे गांव के लोग जो है ना, उन्होंने पप्पू नाम रखना छोड़ दिया बच्चों का। अच्छा। बोले क्यों, बच्चा मंद बुद्धि पैदा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं? मैडम मैंने कहाँ बोला है? मैंने नहीं बोला। आप एक बात बताइए, अगर वो कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, कोई कह रहा है 2500 की कर रहा है, कोई कह रहा है 3500 की कर रहा है, अगर वो 2500 किलोमीटर पैदल चल लेगा ना मैडम, तो मैं कल अमेरिका से पैदल आया हूँ। एक बात बताओ, एसी की ठंडी हवा खाने वाला आदमी है और वहां पर पैदल चल चल के लोगों को दिखा रहा है, लग्जरी गाड़ी उसकी पीछे खड़ी है। अरे कम से कम बोल तो सही से। लेकिन कह रहे हैं कि ये पैदल यात्रा करके हम प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। उसका कावड़ ही उठवा दो दिल्ली से, 220 किलोमीटर हरिद्वार ही भिजवा दो उसको। सिर्फ 1 किलो जल। कावड़ उठाने वाले अलग होते हैं, अलग होते हैं। कावड़ उठाने वाले अलग है, वो राजनीति करने वाले होते जो कावड़ उठाते हैं। अच्छा, वो राजनीति करते हैं। आजकल सरकार जो डरी हुई है राहुल, आजकल जो आजकल देखो भाई साहब, भाई साहब मोदी जी ने दौड़ के, राहुल गांधी ने दौड़ के लगाया था चीता। मेरे चाचा जो है गुटखा बैन करने वाले के एक्शन से कर देंगे। अभी मोदी जी वो लाए थे चीता, चीता तो सड़क पे दौड़ रहे कर्नाटक में, कर्नाटक में दौड़ रहा चीता, दौड़ लगा रहा नहीं चीता कर्नाटक में। दिक्कत क्या आपको चीता अगर दौड़ रहा है? चीता दिक्कत है, चीता है। अरे उसके चीते के चक्कर में सिक्योरिटी वाले कह रहे चाचा तुम कहीं भी भाग रहे होते हो। 51 साल का चाचा होता है, तुम उसको युवा नेता बताते हो। 51 साल का भाई, 51 साल का चाचा होता है युवा होता है? अरे 9 साल बाद तो उसकी सीनियर सिटीजन पेंशन लग जाएगी बुजुर्गों वाली। लेकिन खुद को युवा नेता बताते हैं, युवा नेता बताते हैं राहुल गांधी जी खुद को। छोटी बहन आप और मैं तो पैदा भी नहीं हुए फिर उस हिसाब से। अच्छा। हम लोग तो अभी अभी तैयारी में खेल रहे होंगे भैया। अगर वो युवा, हाँ आज की तारीख में मोदी जी राहुल से डरे हुए हैं। मोदी जी राहुल से? अंकल जी, अंकल जी देखिए, अंकल जी बोल के चले गए, मोदी जी राहुल से डरे हुए। हाँ मैं आग लगाना। अच्छा ये कौन है मालूम है आपको? कौन है ये? मैं आपको सच्चाई बताऊँ कौन है? बताइए ना। ये सच्चाई बोलूँ? हाँ बोलिए। ये पाकिस्तान है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान? करा दो रोंगिया। हाँ वो देखो अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। अगर वो देखो इनका काम है बोले राहुल गांधी मोदी अड्डा क्या हुआ, यहाँ खड़े होके बताते। अरे मोदी जी से रशिया डर गया। राहुल गांधी भी नहीं करते जितना यहाँ होता राहुल गांधी, जितना प्रचार तो राहुल गांधी अपनी यात्रा का नहीं करता जितना यहाँ करा जाता है। हाँ बीजेपी का स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो चील को रोजगार देता है। गलत बोलते हैं, अगर सुनिए, अगर हम लोग राहुल गांधी गलत बोलते हैं इनको बुरा लगता है, तो वो अच्छे से राजनीति करें। हमें खुशी है कि विपक्ष चाहिए, मगर मोदी जी को पता है जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी विपक्ष में है, तो मोदी जी को हराने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता। मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई नहीं हरा सकता भैया। विपक्ष दोनों बढ़िया उनको, तो मोदी जी जो अभी स्पीड में चल रहे और तेज भागेंगे। अभी वो कह रहे देखिए, फिर कहेंगे दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप देखो उनको मालूम है कि काम जिस रफ्तार से मैं कर रहा हूँ 70 साल में नहीं हुआ, उस रफ्तार से ही पब्लिक खुश है। मगर जितना ये लोग छेड़ेंगे मोदी जी को उतना और फास्ट काम करेंगे ना। इन लोग को पूरे दिन तो फुर्सत नहीं होती है कुर्ता पजामा सीधा करने में। किनको? ये राहुल गांधी वालों को। अच्छा। एक बात बताओ मैडम, एसी की ठंडी हवा खाने का तो शौक आपको भी है ना, मगर जैसे ही मौसम कौन नहीं खा रहा है एसी? आप सतेंद्र जैन खा रहे हैं ना जेल में? सतेंद्र जैन खा रहा है ना, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? मैं सभी की बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा नहीं है नेता जो एसी की हवा नहीं खा रहा? दिवाली में बम छोड़े थे, दिवाली खा रहे हैं एसी की हवा? दिवाली में बम छोड़े थे? नहीं छोड़े थे, एक भी नहीं छोड़े थे। एक एक मिनट भाई रुक जाओ, नहीं डर के मारे नहीं छोड़े थे या धर्म बदल दिया? नहीं पोल्यूशन के मारे नहीं छोड़ा था। अरे एक मिनट रुको, और ये जो चरस गांजा अफीम पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो सड़क के किनारे जो पोल्यूशन हो रहा है, अब तो डीटीसी की बसें आ गई है, और ये जो पराली जलती है, पहले कहता था देखो जी ए तू हां पंजाब तो आ रही है, पंजाब की पराली जल रही है कैप्टन जी।
कैप्टन जी पंजाब तो बोल रहे हो, पंजाब च पराली जल रही है, अब पंजाब में पराली नहीं जल रही। हाँ यूपी में भी जल रही है। अरे यूपी के बारे में मत बोलो, यूपी से हवा नहीं आती, हवा पंजाब से आती है। कितना पढ़े हो, हवा कहाँ से आती मालूम है? जब ठंड पड़ती है तो कश्मीर से हवा आती है। ए महाराज कौन दुनिया के हो? हवा हर जगह चलता है। कहाँ कहाँ हवा हर जगह चलती है। हवा हवा किसी से पूछ के नहीं चलती कि हमें यहाँ चलना है। तो अभी अगर मोदी जी की हवा चल रही तो मेरी क्या गलती है भाई उसमें? हम भी तो आपके पक्ष में है मोदी जी को, हम तो मैडम से पूछा, हमने गलत नहीं बोला। कहना क्या चाहते हो? अभी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। तारीफ करता हूँ सभी की, क्योंकि न्यू की? सब जो आप कंफ्यूज हो। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हैं जो न्यू रखी है कांग्रेस ने रखी हुई। क्या रखा है? जो न्यू यहाँ की रखी हुई है इंडिया की, वो कांग्रेस वालों ने ही रखा। झगड़े की शुरुआत कांग्रेस से हुई ना फिर? इसका मतलब शुरुआत तो है। हाँ। तो क्या करोगे भैया, ये लाइन मत काट रहा कैमरामैन, बढ़िया आदमी है, इसको बैठा के मोदी टी स्टॉल में चाय पिलाएंगे। आप सच्चाई बोलते हो तो खुल के बोला करो, क्योंकि आप तो बाबा की नगरी के हो। वो तो बात आपकी ठीक है। हाँ, ये ये भी सच्चाई बोल रहा है। ये नहीं समझ रहे, हवा तो सभी के आते, चाहे एसी की हवा हो। अच्छा दारू बंद होने से नुकसान हुआ है, दिल्ली का फायदा हुआ है, एक के साथ एक फ्री थी। बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। क्यों बंद कर देनी चाहिए? जो लोग बेचारे परेशान हो रहे, जिनको पहले दो बोतल मिलती थी अब उनको एक मिल रही है। मेरे से कह रहे दीपक भाई आप बेकार आदमी हो। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहे आपने रात दिन प्रचार करा है दारू बंद करो दारू बंद करो, केजरीवाल ने बंद कर दी। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टूटन होती है, टूटन समझते हो? जिसको एक दारू मिलती है उसको दो की चाहिए होती है, अब वो जबरदस्ती खरीदता है दो बोतल। आप दारू के खिलाफ हो पक्ष में हो? दारू के खिलाफ है। खिलाफ हो तो पहले इन्होंने दो बोतल क्यों करी है? जब लोग कोविड में मर रहे थे ना, तो ये जाकर वहां पर बारशाला में बैठ के गंगा जल पी रहा था, वहां पर दारू की डील चल रही थी। और कह रहा था तुसी कार बैठो, मैं कार भिजवा दूंगा दारू दी बोतल। कौन कह रहे थे? केजरीवाल। केजरीवाल ने घर भिजवाई है लोगों के दारू, और ये वही लोग कोविड वैक्सीन लगवाई है, बिना मास्क के घूम रहे हो ना छोड़े होके। यही केजरीवाल कह रहा था ये मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन थी नहीं, आपने लगवाई है। अंदर लगाने के बाद आवाज आ रही हो, हेलो मोदी वैक्सीन लग गई, मोदी वैक्सीन लग, ऐसा तो नहीं हुआ कहीं? और वो ओवैसी कह रहा था अरे ये मोदी वैक्सीन है मैं नहीं लगवाऊंगा। जैसे ही पता लगा चाचा ताऊ में कोई बंदा डेथ कर गया, पता क्या कह रहे हैं? बोले आपका नाम ओवैसी है, कह रहा है चुपचाप लगा दो, मेरे चाचा का लड़का मर गया कोविड में। भैया कोई मोदी वैक्सीन नहीं है, मोदी अपने घर से नहीं लाया था, मोदी आया काम करने, और मोदी को टमाटर प्याज आलू के लिए नहीं चुना हमने, हमने चुना देश की रक्षा के लिए। 2024 में किसको चुन रहे हैं प्रधानमंत्री? मैडम कोई पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, पप्पू जैसे लोगों के आगे कहाँ खड़ा कर रहे हो मोदी को? आपने कांग्रेस आपको नहीं पसंद, आपने उनकी आएगा मेरे को लग रहा है, बल्कि ज्यादा शोर मचाओगे तो आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी? अरे केजरीवाल के आगे अन्ना हजारे को खड़ा कर दोगे तो केजरीवाल का पेशाब निकल जाएगा। ऐसा क्यों? सारा कुछ बता देगा उसके बारे में। हाँ। ये लोग वही गोला के लोग हैं जी, गोला से आमिर खान आया था पीके में। अच्छा। कौन गोला के? आप कौन गोला के हो? नहीं मैं तो देखिए यही। हाँ मैं भी यही गोला का हूँ। हाँ। केजरीवाल वो गोला का बंदा है। कौन से? जहाँ से पीके वाला आया था आमिर खान नंगा बुगा। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए मोदी सरकार को टक्कर दे रहे हैं। कौन टक्कर दे रहा है? आम आदमी पार्टी। मोदी की टक्कर में कहा, मोदी के बराबर में नहीं खड़े हो सकते ये। हाँ। ये लोग तो स्क्रिप्टेड पढ़ते हैं। तो गुजरात जीतने का दावा क्यों कर रहे हैं? आप केजरीवाल के एक बयान में दिखा दो। हाँ। कि उसने सिर्फ चार बार जय श्री राम और हर महादेव भी बोल दिया हो। हाँ। उसको डर है कि हिंदुओं के वोट ना चले जाए मेरे, वो बोलेगा ही नहीं ना, राहुल गांधी बोलता है क्यों? लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि वो जय श्री राम और भगवान के नाम नहीं लेते, लेकिन अभी बात तो कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश का फोटो छपवा देते हैं नोट। उन्होंने 10,000 लोगों का जो धर्म परिवर्तन कराया ना। हाँ। उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है। हाँ। हमारे देश में हमारे धर्म की इज्जत पहले होगी। हाँ। और जिसको हमारे धर्म की इज्जत नहीं करनी है ना, वो यहाँ से किसी और मुल्क में जा सकता है। क्योंकि सर्वप्रथम हम लोगों के धर्म की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हम आबादी में 80% है। हाँ। तो क्या हमारे धर्म की इज्जत नहीं होगी? कोई भी बंदा मुंह उठा के बोल देता शिवलिंग को फुहारा। हाँ। इनकी क्या औकात है ये शिवलिंग को फुहारा बोल देंगे? हाँ। है ये पैदा हुए हैं इनकी इनकी औकात है। हाँ। और हम लोग सुनते हैं हमारी लानत है। मैडम हथियार चलाना सबको आता है। हाँ। हथियार चलाने में हम पीछे नहीं है, मगर हम आ जाते हैं संविधान में। हम पूछते हैं बिल्ली को, हम पूछते हैं चूहे को, हम धनतेरस में क्या खरीदते मालूम है? चम्मच कटोरी गिलास क्यों खरीदते हैं? हम लोगों को तलवार लेनी चाहिए एक लिमिट के हिसाब से, हम लोगों को चीजें खरीदनी चाहिए। अब एक बात बताओ, कोई बंदा आपको मारने आएगा, इस ऑटो वालों को मारने आएगा तो केजरीवाल बचाने आएगा, मोदी बचाने आएगा? जितने में आप हेलो कंट्रोल रूम, इतने में तो आपका काम हो जाएगा। और उदयपुर में कन्हैया कुमार का काम हो गया बेचारे का, उसको कौन आया बचाने बताओ? इधर को चले गए। जब सच्चाई बोलते हैं ना तो राहुल गांधी चेले चले जाते हैं। हमारे को कोर्ट कहता है अपनी आत्मरक्षा के लिए आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। जैसे ही आपको कोई तलवार मार रहा हो,
भगवान जा करे। ए भैया कानून के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो छूटते ही आप अपूर्वा या मैं दिल्ली का दीपक ये बोलूँ, ए भैया रुक जाए, तलवार मत मारियो, मैं दिल्ली पुलिस को फोन कर लूँ, ऐसे तलवार यहाँ लगी है। हेलो पुलिस, एक बंदे ने गर्दन में तलवार रख दी, आ जा भैया बचा ले। अच्छा, वो इंतजार करेगा इतनी देर का? कहने का संदर्भ क्या है आपका, आप क्या कहना? जो जिस भाषा में जवाब चाहता है, योगी ने बोला उसको उस भाषा में जवाब दो। ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब गोले से। पत्थर का जवाब गोले से? वही गोला जो आमिर खान के पास था। जो आमिर खान के पास था। अच्छा, विपक्षी दल देखिए दावा कर रहा है कि आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, पंजाब में मिटा दिया, गुजरात में मिटाएंगे। लग रहा है आपको पंजाब में मिटा दिया उन्होंने? हाँ, क्या रहे हैं, ऐड चलाते हैं टीवी पर। अच्छा, पंजाब में मिटा दिया? ऐसा उनका था। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने खुद बंद करा दिया पंजाब के। मैंने नहीं कराया, वो झाड़ू वाला था एक बंदा, उससे पूछो, उसने खुद बंद करा दिया अपने मंत्री को। पता क्या बोल के, हम कट्टर ईमानदार है और कट्टर भ्रष्टाचारी बंदा मिल गया। सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और ये अरविंद केजरीवाल ज्योतिष है। आज पता क्या कह रहा है, कहता है मैं जादू करता हूँ। ए महाराज, तुम जादू करते हो? ये थोड़ा पब्लिक के ऊपर भी जादू कर दो। उसका बयान देखो कल का, कह रहा है मैं जादूगर हूँ, मैं जादू की छड़ी लेके चल रहा हूँ। वो छड़ी ना मैडम गलती से भी ना अपने ऊपर मत मार दे, वो भस्मासुर है। कौन? अरविंद केजरीवाल। जिसके सर पे हाथ रखता है ना, वो भस्म हो जाता है। कहीं वो अपने सर पे ही अपना हाथ ना रख ले किस दिन, क्योंकि उसकी करनी उसके आगे आएगी। उसी रामलीला ग्राउंड में, जिस रामलीला ग्राउंड से वो बना है ना, उसी रामलीला ग्राउंड में एक दिन उसका अस्तित्व खत्म होगा, क्योंकि उसने अन्ना हजारे की बद्दुआ ली है। आप लोग अन्ना हजारे का जिक्र क्यों नहीं करते हो? अन्ना आंदोलन से वो उठा है। आज अन्ना हजारे कहाँ है बताओ? अन्ना हजारे का ये सगा नहीं, कपिल मिश्रा का ये सगा नहीं, कुमार विश्वास का ये सगा नहीं, प्रशांत भूषण का ये सगा नहीं, और इसका क्या नाम है इसका, ये हमारी किरण बेदी जो राज्यपाल है उसका ये सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जी, और जी, जी। वाले लिखते हैं आई लव केजरीवाल। हे महाराज, आदमी से प्यार करते हो? आप लोग लिखते हो ना आई लव केजरीवाल? बिल्कुल लिखते हैं। आदमी से प्यार करते हो सच्ची में? ये भैया कैसा चरित्र है आपका? हम लोग तो बाबा को बोलते हैं, बाबा बढ़िया आदमी। हम मोदी को देते हैं, राज्य में केजरीवाल को देते हैं। क्या चाहते हो? अभी तक तो राहुल गांधी बोल रहे थे शीला दीक्षित को वोट दोगे, किसको दोगे भाई? ये महाराज कैसे आदमी यार, का खाए क्या खाया वैसे? अभी आप कह रहे हो कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ? अरे फास्ट, देखो अगर उपवास है कोई बात। ये महाराज उपवास है? नाम क्या है आपका? मनीष है। मनीष, मनीष। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ला तो रहे हैं इतने 2024 में योगी को पीएम बनाएंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कौन कह रहा है, पीएम तो बनेगा भाजपा का ही। भाजपा का बनेगा तो ठीक है।